सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा एक और वीडियो जो है मसाला अगरबत्ती से रिलेटेड है। वैसे कि जो पिछले वीडियोस थी उसमें मैंने मसाला अगरबत्ती से जितने भी हमारे पास जो फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है उसके काफी डिटेल में मैंने एक एक फ्रेग्रेंस के बारे में आपको बताया था, जिसमें से हमारे 12 से लेकर 15 टाइप के फ्रेग्रेंसेस जो है अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में काफी सारे जो कस्टमर्स थे जिनकी मसाला अगरबत्ती से रिलेटेड इंक्वायरीज थी और उसके साथ साथ क्वेश्चन था। इंक्वायरीज तो ठीक है, काफी सारे कस्टमर को हमने अभी वीडियो देने के बाद काफी सारे कस्टमर्स को ऑर्डर आया और काफी सारे लोगों को हमने सप्लाई भी की, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है हमको मसाला अगरबत्ती का मिला। उसके बाद दूसरी जो चीज होती है वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या थे, काफी सारे लोगों के थे, पैकिंग से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड। तो उसके बारे में जो है आज हम जो है बात करेंगे। टॉपिक में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगरबत्ती से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे, तो चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि आपको इधर भी कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे और इधर भी जो है हमने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो कि मसाला अगरबत्ती के अभी 12 से लेकर 15 टाइप के फ्रेग्रेंसेस जो है हमारे पास अवेलेबल है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियोस दी हुई थी अभी कुछ दिनों ही पहले। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसको आप प्लीज जाके वॉच कीजिए, पूरा जरूर देखिए उसे मत। तो फिर सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट रिव्यू और एक बार कर देता हूँ, ताकि जो अभी रिसेंट टाइम में जो वीडियोस देख रहे होंगे उनको मसाला अगरबत्ती रिलेटेड जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। तो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ वैसे जार पैकिंग में, इसके बारे में आगे मैं वीडियो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जो है शुरुआत करते हैं मसाला की एक अच्छी खुशबू और एक अच्छा स्वीटनेस फ्रेग्रेंस के साथ में। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है मल्लिका मसाला, जो कि आपको सिल्वर कोटिंग में दिख रही होंगी। काफी यूनिक प्रोडक्ट है, अभी 1 kg की पैकिंग में है, 750 प्लस ये काउंटिंग्स इसमें आती है, तो एक यूनिक फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देते चलता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक पहला प्रोडक्ट। इसके बाद मसाला अगरबत्ती में दूसरा नाम सबसे अच्छा चलता है, ये हमारा पिकाजा, जो कि काफी पहले से नाम चलते आ रहा है मसाला अगरबत्ती में, और इसकी भी खुशबू काफी अच्छी है। थोड़ा सा आपको डार्क बेस में इसका वुडनेस की जो है कोडिंग देखने को मिलेगी, स्टिक्स में आपको पिंक थोड़ा सा कलर देखने को मिलेगा। ओवरऑल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, थोड़ा स्वीटनेस और हार्ड फ्रेग्रेंस आपको पिकाजा का देखने को मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जैसा कि आप जानते होंगे पुराना नाम है और काफी एक यूनिक मसाला अगरबत्ती में, सबसे मैं बोलूं तो रुद्राक्ष काफी नाम से ही चलता है और लोग काफी नाम से इसको जलाना पसंद करते हैं और लेना भी पसंद करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का 1 kg की पैक में ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास वेद। वेद का नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये थोड़ी सी स्वीटनेस के साथ में एक मॉर्निंग का जो टाइम होता है मेडिटेशन के लिए हो या फिर मॉर्निंग में कुछ आप एक्सरसाइज वगैरह या फिर योगा वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए काफी अच्छा ये प्रोडक्ट मैं कहूंगा। तो ये वेद प्रोडक्ट है जिसको हमने वेद नाम दिया है। अभी थोड़ा सा स्टिकर भी कुछ उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सो कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा स्वीटनेस और एक मॉर्निंग टाइम को एक अच्छा और खूबसूरत टाइम ये बना देता है, इसकी वजह से इसका नाम हमने वेद रखा है। तो ये प्रोडक्ट हो गया। काशी धूप पुराना नाम है, काशी धूप के बारे में आप जानते हो, इसके बारे में मुझे कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। मसाला अगरबत्ती में खासा इसका नाम है, स्टार्टिंग में से मसाला अगरबत्ती इन्हीं के जरिए से शुरुआत हुई थी काशी धूप के नाम से। तो ये प्रोडक्ट हो गया। वैली नीला जो कि एक स्वीट फ्रेग्रेंस में आपको देखने को मिलेंगी, कुछ इस तरीके के आपको प्रोडक्ट जो है देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा वुडनेस कोटिंग इसमें भी की गई है और बहुत स्वीट, जिस तरीके से हमारी मिठाई वगैरह में जो फ्रेग्रेंस यूज़ होती है उसी टाइप का फ्रेग्रेंस इसमें यूज होगा। ऐसे लगेगा जब इसको जलाओगे तो कहीं से मिठाई बन रही है या फिर कुछ स्मेल आ रही है, इस तरीके की स्वीट स्मेल इसमें से देखने को आपको मिलेंगी। अब कुछ इस तरह की जो सीरीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास है केवड़ा फूल। केवड़ा फूल बेसिकली अभी के टाइम पे जो है इसकी फ्रेग्रेंसेस आर्टिफिशियल देखने को आपको मिलेंगी, प्योर केवड़ा फूल के जैसा स्मेल आपको मिलेगी जो कि हम आपको दिलवाएंगे इस अगरबत्ती से। इसके जो फ्रेग्रेंसेस है आपको एकदम फाइन फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगा एक फ्लावरी नोट में, जैसा कि केवड़ा है। केवड़ा का फूल आज के टाइम पे आपके घर में या फिर गमलों में भी बहुत कम
कम तरीके से ही देखा जाता है। और ये जो है इसकी आपको अगरबत्ती के थ्रू इसकी स्मेल्स सोने को या फिर अनुभव करने को मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास केवड़ा फूल, थोड़ा सा येलोनेस स्टिक्स में दिखेंगी, पाउडर कोडिंग भी येलोनेस थोड़ा सा किया गया है। लेवेंडर, लेवेंडर का पुराना नाम है जैसे कि आप जानते होंगे, ये काफ़ी यूनिक है, सभी लोग पसंद करते हैं। जो फ्रेगनेंस जो चीज़ें है खुशबू से रिलेटेड जो चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, उनमें से हर एक लोग जो है लेवेंडर को पसंद करते हैं। एक फ्रेगनेंस जो है एक फ्लावरी नोट के साथ साथ में एक स्वीट खुशबू जो है ये देता है आपको। लेवेंडर जैसा एक कलर जो है स्टिक कोडिंग में देखने को मिलेंगी और कोडिंग में थोड़ा सा वुडनेस टाइप की कलर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा ये है हमारे पास गुलाब की पंखुड़ी, जैसे कि आपको दिख रही होंगी पंखुड़ी के जैसा एक कलर, थोड़ा सा आपको पिंकनेस में दिखने को मिलेंगी। इसकी एक्चुअल में मैं बोलूँ तो गुलाब का जो एक स्वीट फ्रेगनेंस होता है, जैसे कि फ्लावर आप तोड़ के उसको थोड़ा सा हाथ से मसल के जो स्मेल आप करोगे, या फिर फूल को डायरेक्ट आप तोड़ के अगर नाक से स्मेल करोगे तो वो जो स्मेल होती है ना, उसी तरीके का स्मेल इस वाले गुलाब की पंखुड़ी में हमारी अगरबत्ती में देखने को मिलेगा। सो फिर ये काफ़ी अच्छा, मैं फ्लावरी में बोलूँ तो सबसे स्वीट, और पंखुड़ी मतलब नाम ही मैंने दिया हुआ है गुलाब की पंखुड़ी ऐसा। सो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये मसाला अगरबत्ती का है। वुड्स नाम जैसा कि आप जानते होंगे, थोड़ा सा सैंडल के बेस में इसका फ्रेगनेंस होता है और ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जैसे कि आपको ये दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा वुड्स, आगे चलते हैं भाई। तो ये है हमारे पास फ्रूटी फ्लेवर में दो आइटम्स है हमारे पास, ये है मैंगो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा येलोनेस लाइट येलो टाइप की कलर में आपको देखने को मिलेंगी और फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से लोग पके हुए आम का फ्रेगनेंस जो आता है जैसे खाने के समय में, उसी टाइप की फ्रेगनेंस आपको इसकी देखने को मिलेंगी, काफ़ी स्वीट और काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस ये है। सो ये हमारा कुछ इस तरीके का मैंगो जो है फ्रूटी फ्लेवर में। इसके बाद पाइनएप्पल है जो कि अभी स्टॉक में हमारे पास नहीं है। एक लास्ट प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप सभी लोग जो है पसंद करते हैं, इसका नाम है मैसूर सैंडल। सैंडल मैं बोलूँ तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ये मैं मानता हूँ, क्योंकि लोगों का हर एक लोगों का जिसके पास ये प्रोडक्ट गया हुआ है उन्होंने कभी इसके बारे में गलत रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने बोला कि हाँ ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी लोगों ने पसंद किए हुए हैं, लेकिन सैंडल को काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किए हुए हैं। तो ये है हमारा मैसूर सैंडल। तो कुछ इस तरीके से जो है ये टाइप के जो है फ्रेगनेंसेस होते हैं। और इसके बाद जो है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं बता देता हूँ कि कितना रिक्वायरमेंट होगा, क्या किस तरीके से चीज़ें आएंगी उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कस्टमर का जो भी हमारे कस्टमर्स थे जिन्होंने मसाला अगरबत्ती से रिलेटेड काफ़ी सारी इंक्वायरीज की हुई थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन उनका यही था कि काउंटिंग्स क्या होगी, कितने पैकेजिंग में मिलेंगी, डिलीवरी किस तरीके से होगा। सो एक चीज़ मैं जो है क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो काउंटिंग्स की, तो काउंटिंग्स इसमें जो है 9 इंचेस की स्टिक्स आपको मिलेंगी और जो है ये एक फाइन स्टिक आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ काउंटिंग 750 प्लस जो है ये आपको हाईएस्ट काउंटिंग में मिलेंगी, जो कि आप पैकेजिंग में या फिर कुछ भी तरीके से इसे बेचते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट जो है आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो 750 प्लस जो है काउंटिंग आपको देखने को मिलेंगी। स्टिक की थिकनेस में बोलूँ तो 3.5 से लेकर 3.45 एवरेज मैं कवर करना चाहूँ तो उतनी मोटी इसकी स्टिक्स आएंगी, पूरी नेचुरली स्टिक आपको जो है देखने को मिलेंगी। थोड़ा हार्डनेस नहीं होगा क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, सो थोड़ा सा सॉफ्ट रखना, फंगस या फिर काफ़ी सारी चीज़ों को चीज़ें जो है आ जाती हैं। तो दूसरी चीज़ और मैं ये बोलूँ कि इसमें फंगस का कोई इशू नहीं होगा, चाहे वेदर कितना भी नमी क्यों ना हो, कितना भी बारिश क्यों ना हो, इसमें फंगस जो है बिल्कुल आपका नहीं लगेगा, इतनी जो है गारंटी है। उसके बाद आगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं देखता हूँ, सो मसाला अगरबत्ती की जो कोटिंग होती है ना वो क्या होता है, पॉलीथिन पे नीचे आके रुक जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है जो कोटिंग की जाती है, और बाकी लोग जो भी जैसे भी बेचते होंगे मैं कोई कंप्लेंट्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है। क्या होता है लोग सस्ते टाइप के पाउडर्स का यूज़ करते हैं तो उसकी कोटिंग क्या है ना पॉलीथिन के नीचे आके बैठ जाती है,
चाहे आप वो किसी बॉक्स में पैकिंग करो या फिर किसी टाइप के पॉलीथीन में पैकिंग करो या फिर किसी टाइप के जार में पैकिंग करो, तो क्या होता है ना, इसका जो वुडनेस होता है वो पूरी इधर किनारे पे जो है आके बैठ जाता है। रीजन क्या है, थर्ड क्वालिटी वुड और नेचुरल जो चीजें हैं वो यूज नहीं करते, इसके वजह से इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि इस मन वाले मसाला कैटेगरी में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देखो इसमें जरा भी आपको कुछ भी कोटिंग जो है झड़ने की शिकायत नहीं मिलेंगी। और दूसरी चीज मैं आपको डिब्बे से भी खोल के दिखा देता हूँ। सो ये हो गई हमारी मसाला कोटिंग, आप देखो किस तरीके से कोटिंग की हुई है, और ये डिब्बा जो है अभी मैंने निकाला, इसमें किसी भी तरीके का झड़ने वड़ने का कोई शिकायत नहीं है। आप देखो ये वाइटनेस टेबल है, अगर झड़ती तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती, तो ये दूसरी सबसे अच्छी चीज है मैं मानता हूँ क्वालिटी को लेकर। सो कुछ इस तरीके की चीजें मैं आपको क्लियर करते जाता हूँ, ये चीजें मैं बता दी क्वालिटी को लेकर। दूसरी चीज होती है प्राइस रेंज के बारे में, प्राइस रेंज जो है हमारे पास 180 से लेकर, जो कि हमारा काशी धूप जो है 180 से लेकर इसमें 300 तक का रेंज हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से कोई भी कैटेगरीज आपको अच्छी लगती हैं 12 से 15 फ्लेवर के बीच में, तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, प्राइस जो है 180 से लेकर 300 तक एवरेज इसकी जो हमारे पास जो फ्रेटनेस अवेलेबल है उसकी प्राइसिंग आएगी। इस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद जो है हमारा इसका जो है ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमें पैट सैंपल चाहिए या फिर और कुछ तरीके से जो चीजें हमको प्रोवाइड आप कीजिए, तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि ये हमारा एक कार्टून हमने पैकिंग की हुई है कस्टमर के लिए, सो इसमें क्या है, अभी हम 20 kg एवरेज इसमें पैकिंग दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी प्रेगनेंसी से आपको टोटली 2-2 kg के बेस में 24 kg का पैकिंग जो है कर के देते हैं कस्टमर्स के लिए, तो इसमें क्या होता है ना, एक आसान चीजें ये हो जाती हैं कि जो चीजें हैं उसको आपको एक तो आपका सैंपल जो है वो हो ही जाता है, उसके साथ साथ जो है एक फ्रेगनेंस में आपको 2-2 kg की जो है आपको प्रोडक्ट बाय करना होगा, मतलब 24 kg आपका हो जाएगा। अभी रिसेंट टाइम में अभी मेरे पास 12 टाइप के फ्रेगनेंसेस है, तो 24 kg की ये हमारी कार्टून है और उसी के साथ में ये सारे फ्रेगनेंसेस आपको 2-2 kg के बेस में मिल जाएंगे। सो फिर मैं कहना चाहूंगा 24 kg का एक सैंपल ऑर्डर आप लगा सकते हैं, उससे ऊपर आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो भी पूरी तरीके से फुलफिल की जाएंगी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 24 kg, मतलब 24 kg का एक जो कार्टून होता है उसका ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। वैसे ये कुछ कस्टमर्स के लिए अभी रिसेंट में हमने पैकिंग की हुई है। दूसरी चीज होती है डिलीवरी को लेकर कि किस तरीके से इसे हमें जो है प्रोडक्ट मिलेगा। सो इसके लिए दोनों तरीके की सर्विसेज अवेलेबल है। बाय द वे आप कोरियर के थ्रू मंगवाना चाहें तो भी पॉसिबल है। अभी हमने काफ़ी सारे जगहों पे जो है डिलीवरी दी हुई है, और काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या भाई उत्तराखंड तक माल मिलेगा क्या, आसाम तक माल मिलेगा क्या। वैसे काफ़ी सारे जो अलग अलग शहर से लोग जो है ये भी इंक्वायरीज करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हो आपको प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा। और इसके लिए काफ़ी सारे जो अफोर्डेबल जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उसमें हम लोग जो है आपका करवा देंगे, जिसमें से VRL हो गया और काफ़ी सारे वेरीफाइड लॉजिस्टिक्स हैं, उसमें जो है प्रोडक्ट आपको सेफली तरीके से GST बिल के साथ। अभी उसके बाद मैं एक छोटी सी और बात मैं कहना चाहूँ, तो वो होता है पैकेजिंग को लेकर कि पैकेजिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो पैकेजिंग के लिए देखो मैंने कुछ सैंपल्स अभी रखी हुई हैं, जिसमें से आपको ये 500 ग्राम का पैड बॉक्सेस में मिलेंगी, जो कि हम लोग प्लास्टिक जार जिसको कहते हैं। इसमें से जो है एक छोटी जार भी आती है, तो कुछ इस तरीके से आपको 250 ग्राम्स में ये देखने को मिलेंगी। वैसे ये जो है मैंने सैंपल्स के लिए रखी हुई है, और चाहो तो आप ये पैड जार जो है हमारे पास अवेलेबल है। मसाला अगरबत्ती क्या है ना, थोड़ी सी कॉस्टली चीज होती है और यूनिक फ्रेगनेंसेस होते हैं, तो लोग क्या जार में बेचना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सो जार की क्वांटिटी भी जो है एक यूनिक बन जाती है, प्रोडक्ट भी काफी अच्छा जो है देखने को मिलता है। सो कुछ एग्जांपल के लिए देखोगे तो मैंने कुछ इस तरीके से इसमें एक स्लिप स्टिकर्स लगाई हुए हैं, जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है इन सारी चीजों को जो है मेंशन की हुई है, और ये काफी यूनिक प्रोडक्ट लगता है। एक छोटा ब्रांड कम खर्चे में इसी तरीके से जो है बन जाता है ना, तो इसमें कोई पैकेजिंग का आपका टेंशन है
ना तो किसी तरीके से आपको सिलेंडर की कॉस्ट लगने वाली है, ना तो किसी को बनवाने का कोई ऑर्डर दिया। ये सारी चीजें रेडीमेड आपको मिल जाएंगी, बस एक लेवल स्लिप आपको बनवाना होगा प्रिंटेड वाली, जो कि स्टिकर की बेस में होती है, तो स्टिकर निकलेंगी और सीधा इस डिब्बे में चिपक जाएंगी। इसमें एक ऑप्शन ये होता है, दूसरा ऑप्शन ये होता है। सो कुछ इस तरीके से, जैसे कि अभी एक मैंने एक अच्छी बेसिस में ये चिपका के रखा हुआ है स्टिकर बेस में। सो कुछ इस तरीके से आपका एक सस्ते में बिना सिलेंडर कॉस्ट के और काफी इजी मैं बोलूं तो एक अच्छा ब्रांड ये बन जाता है। तो कुछ इस तरीके पैकिंग आप जो है कर सकते हैं। बाय द वे ये हम लोग पैकिंग करके नहीं देते, केजी के बेस में आपको 24 केजी में सारी चीजें मिलेंगी, उसको आप इसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब पैकेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे फ्रेग्रेंसेस में होंगे, एक आशी दूफ हो गया हमारा, एक ये हो गया हमारा रुद्राक्ष, और ये हो गया मल्लिका, और उसके बाद है केवड़ा फूल, और ये सोमनाथ जो कि अभी स्टॉक में नहीं है, ये भी काफी एक अच्छा प्रोडक्ट है, और छोटी जार्स में अभी देखोगे तो कुछ इस तरीके से। तो फिर आज का ये हमारा मसाला अगरबत्ती से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो है प्राइस को लेकर या फिर प्रोडक्ट को लेकर या फिर डिलीवरी को लेकर सारी चीजें जो है इंफॉर्मेटिव जरूर लगी होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या फिर आपको किसी भी तरीके से मसाला अगरबत्ती से रिलेटेड इंक्वायरीज है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।